तो ये सीन कुछ ऐसे हैं कि अब से कुछ दिन पहले की एक ट्रिप बनाई थी हमने, जो कि थी कोसानी की, पर वो कोसानी भी पूरा नहीं हो पाया, आधे में पहुंच पाए। तो अब जो प्लान बनाया है हमने, कई दिन से गए नहीं तो प्लान बना लिया, पहाड़ों के बिना तो रह नहीं सकते ना, तो अब जो प्लान बनाया वो बना लिया हमने भैया रामनगर का। और रामनगर की जो लोकेशन है वो है भाई अल्टीमेट। तो भैया रामनगर की जो लोकेशन है वो है हमारे घर से मिनिमम 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे। और 2 से 2.5 घंटे की जगह हम भाई जो रूट हमारा मेन जाता है रामनगर को, वो हमने नहीं लिया, हमने सोचा कि आज इधर की साइड से चलते हैं, बाजपुर साइड से। तो बाजपुर साइड से जब गए तो भाई वो 2.5 घंटे की जगह हमें इतना टाइम लग गया, कम से कम 50 किलोमीटर और ज़्यादा एक्स्ट्रा चल दिया। तो जैसा हमने सोचा था वो प्लान थोड़ा सा कैंसिल सा होता दिखाई दिया, जो हमें चाहिए था वो भी नहीं हो पाया था। तो भाई 2 घंटे बाइक चलाने के बाद में हमें एक व्यू मिला जो कि काफ़ी सुंदर सा हमको लग रहा था। तो भाई व्यू अल्टीमेट अल्टीमेट। और आप मेरे पीछे देखोगे तो यार इस साइड जो है ना पूरा जंगल जंगल है, बाकी क्रॉसिंग करते हैं अभी ये पुलेट और उसके बाद में यहाँ से अभी क्रॉसिंग, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हमने क्रॉसिंग कर ली है, ये देखो कुछ अलग ये नज़ारे हैं जो है ना, इतना साफ है कि मतलब कि आप अपने पैरों को डालोगे ना तो वो पुल को क्लियर दिखेंगे भाई। तो बाकी अभी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे थोड़े फोटो शूट कर लेते हैं, आया जब लोकेशन एक इतनी प्यारी मिल गई है तो भैया कर ही लेते हैं ना। तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि अभी हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे जो लोकेशन है ना सुंदर इतनी लग रही है, पर नीचे जाने का ये रास्ता नहीं मिल रहा। पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले नीचे जाते हैं और कुछ अच्छा सा शूट करते हैं। मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में तेरी ख्वाहिशों में छुपा ना जाने क्या। रामनगर के जंगलों में स्टार्ट है हमारे सफर की, और बाकी व्यू जो है ना भाई बड़ा औसम है, तो वो दिखाते हैं। तेरे जुल्फों की ये नमी तेरी आँखों। तो इस सफर में चलते चलते हम एक चीज भूल गए थे कि भाई 2 घंटे से चल रहे हैं, 2 घंटे से ज्यादा हो गए पर हमने चाय नहीं पी थी, पर अब वो तो भैया चाय हमारी ऑर्डर हो चुकी है। और बाकी 2 घंटे से ज़्यादा हो गया कि हमें पता ही नहीं था कि भाई कहीं स्टॉप भी लेना है। और एक ये जो रूट था ना वो हमने काफ़ी लंबा ले लिया, कम से कम हम चल गए होंगे 50 से 60 किलोमीटर ज़्यादा। तो रामनगर जो जाने का हमारा मेन मकसद था वो था उसके यहाँ का वो पुल जो कि थोड़ा सा गिरजा देवी मंदिर से पीछे की साइड में नीचे पड़ता है, भाई अल्टीमेट सी लोकेशन लगती है। तो हमने सोचा वहाँ पे कुछ सिनेमैटिक स्पॉट बनाएंगे और कुछ अलग सा फील आएगा, पर वहाँ के हालात थोड़े से बुरे थे तो वहाँ पे हमें जाना नहीं मिला। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप गिरजा देवी मंदिर ही चल लेते हैं जब आए, तो अब उसके बाद में गए बाकी आप देख लीजिए फिर। तो भैया सीन कुछ अब ऐसे हैं, कोई लोकेशन नहीं मिली और रामनगर आए और गिरजा देवी मंदिर ना आए तो बेकार है भाई, आना ही बेकार है। जो यहाँ पे आते हुए सुकून मिलता है एक बहुत अच्छा फील है यार यहाँ का। बाकी अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे भैया तो अभी कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे पानी वानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, आधे से ज़्यादा मंदिर डूब चुका था। दिखाते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और किस तरीका क्या रहा। बाकी व्यू बहुत सुंदर है, व्यू ही तो इतना प्यारा आ रहा है जो हम बता नहीं सकते, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। धूप जो है ना वो काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, एहसास नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे सर्दी के टाइम पे आए हैं, काफ़ी तेज है। और भाई अबे कितना साफ हो चुका है, ये जीने भी टूट चुके हैं यहाँ से पूरे पानी की वजह से, और सामने का तो व्यू कुछ अलग ही। अब तो भाई अब से कुछ टाइम पहले हम आए थे तो यहाँ की लोकेशन कुछ और थी और अब की जो लोकेशन है वो कुछ और है। कम से कम ये जो एरिया है ना पूरा, यहाँ तक पूरा बस जंगली जंगल था, हरा हरा था। और मेरे पीछे वाला ये इधर का जो जीना है भाई, ये इस साइड को नीचे की साइड था वो भी पूरा टूट गया, और ये जितने पत्थर हैं ना ये सब बह के आए हैं। और मंदिर तो आज भी बिल्कुल सलामत है भाई, आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है हर जगह। ये वाला लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बादल
काफी सुंदर लग रहा है भाई। पानी जो है ना काफी ठंडा है और ये पागल कह रहा है नहा ले। मैं मर जाऊंगा सर्दी में करके, इतने ठंडे पानी में नहाऊंगा तो भाई। पर एक सुकून अलग है, आज मजा आ रहा है। तो भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा शाम तक का वेट कर लेते हैं, क्योंकि व्यू है ना वो शाम को ही मिलने वाला है जो हमें चाहिए। सनसेट चाहिए और वो शाम को ही होगा। और यहाँ का जो व्यू देख रहे हो ना, पूरा ओपन हो चुका है, अल्टीमेट आएगा यार। क्या करें, आज का टाइम हमारा ऐसे चला गया सारा का सारा। अब तू कम से कम 1 घंटा तू खाएगा, तू लाइन में लग जाके फिर। और सामने कुछ ऐसे हालात है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। ओ भाई, ओ भाई, 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 भाई। पानी देखिए तो शानदार लग रहा है ये पत्थरों के बीच में से। पीला नहीं, पीला ही हो रखा है। ओए ओए ओए, तेरी ख्वाहिशों में छुपा ना जाने क्यों है रोज का सिलसिला, तू रूह की है दास्तां, तेरे ज़ुल्फ़ों की ये। तो भैया ये शुभ अभी प्रसाद चढ़ाने गया है और मैं वेट कर रहा हूँ। आँखों का ये नशा, यहाँ खो भी जाऊँ। तो भैया प्रसाद चढ़ा के आ चुका है और अब ढूंढनी है लोकेशन जो सेंट मैटी लुक के लिए ज्यादा बढ़िया हो, और वही नहीं मिल पा रही है। तो भैया इस लोकेशन को देख के दिल ना बिल्कुल खुश सा हो गया था। हमने सोचा अब यहाँ पे हम कुछ अच्छा शूट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने सोचा था वो अब हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने कुछ अच्छे अच्छे सी क्लिपें इकट्ठी करी हैं और भैया ये देख लीजिए। बाकी पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर देना, जितने लाइक्स आएंगे तो समझ जाऊंगा कि ये शूट बढ़िया लगा आपको। ऑसम लग रहा है। ओ भाई ये वाला देख कितना औसम है सामने व्यू। तो इस वाली लोकेशन के लिए भाई इतनी मेहनत करी है हद से ज्यादा। मैं गुमसुम हूं इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में तेरी ख्वाहिशों में छुपा जाने क्यों है रोज का सिलसिला। टाइम जो हुआ है वो हो चुका है 3:11 और अभी तक हम रामनगर में ही हैं। वैसे प्लान हमारा कोई रुकने का नहीं है, पर इस व्यू के लिए हम रुके हुए हैं क्योंकि सनसेट चाहिए भाई हमें। और यहाँ से जब सनसेट होगा ना बहुत औसम वाली फील आएगा, बहुत औसम वाला। कदम बढ़ते हुए चल रहे हैं वो कुछ इन पत्थरों के बीच में से, और ये है कुछ अच्छा सा। और भैया मेरे जो पीछे वाला बंदा है ना वो हो चुका है बिल्कुल पागल, जो कि फ़ोन में ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना सीख चुका है। और मैं बस शूट कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग है 4:4 देख लेना भाई। और जो भी इसकी गर्लफ्रेंड ब्लॉग देख रही हो ना तो भाई ब्रेकअप कर लो इससे, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें रहने से। 4 तो पहले ही चला रही है। हमने जो आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ को अब यूज़ कैसे, वो तो तुम्हारा भाई चौधरी बताएगा ना कि यूज़ कैसे करना है। कुछ अल्टीमेट जो चीज़ें चाहिए तो वो अल्टीमेट चीज़ें भैया हमें बस यहाँ मिल पा रही हैं। और काफ़ी धूप तेज़ है, इंतज़ार कर रहे हैं कि शाम जल्दी हो जाए। और अब आ चुके हैं हम शेडो में, मालदीप सी फीलिंग आ रही है पर रामनगर में है भैया। तो अभी हमें एक लोकेशन और मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी, टूटा हुआ पेड़ वेड़ समथिंग। और टूटा हुए पेड़ तो यहाँ पे इतने सारे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। बस अब उसको यूज़ कैसे करना है वो एक आइडिया अभी चाहिए। अभी आउटफिट हमने चेंज कर लिया है, ब्लैक पहन लिया है क्योंकि ये ब्लैक मेरा फेवरेट हो चुका है। इस बंदे ने जैकेट पहन ली है और कुछ अलग करना है। तो अब मुझे ये बता इस पेड़ से कैसे फोटो क्लिक करनी है और रील्स कैसे बनानी मेरे है। मेरे को बताया तू, बस बैठ पेड़ के ऊपर, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़। देखा, चल पकड़। तो अभी पेड़ के ऊपर बैठने चल रहे हैं। तो बात आती है अब घर जाने की, और घर जाने के टाइम पे मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि सीन कुछ ऐसे बना रहे थे हम कि सोच रहे थे कि रात यहाँ रुक जाते हैं और कैंपिंग करेंगे, मस्त फील आएगा। पर भैया नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि घना जंगल और डर लग रहा था कोई शेर वेर आ गया तो क्या करेंगे। तो भैया फाइनली हमारे सारे काम निपट चुके हैं। आप कह रहे मैं गिर जाता, अभी मैं हर जगह गिरता क्यों रहता हूँ। तो हमारे सारे फाइनली काम निपट चुके हैं, जितना शूट करना था और जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो सब हमने बना ली है।
और टाइम अब हो रहा है भैया 4:30, 4:30 हो रहे हैं और यहाँ से हमें जाना भी है और अंधेरा मिल सकता है पर डर नहीं लगता पहले। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, 1K तो पहुंचा दो। हम 1K पे सोच रहे हैं कि अपनी म्यूजिक वीडियो लाएं और आप तो 1K तक ही नहीं पहुंचा रहे हो, तो भैया सब्सक्राइब करो, हमें नहीं पता भैया सब्सक्राइब करो। क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा, तेरे सांसों की रात है, तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है।